बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको मालूम है, हमने यूनिट नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है और उसका फर्स्ट पार्ट हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था, दैट वाज रिलेटेड विद द गैशियस एक्सचेंज। अब हमने इसमें नेक्स्ट मेजर पार्ट की तरफ आना है, दैट इज़ ट्रांसपोर्ट। पहला पार्ट हम स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, और फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स की तरफ। तो सबसे पहले हमें क्या स्टार्ट करना है स्टूडेंट्स, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में हमने थोड़ा सा पहले तो देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स का मकसद क्या है पढ़ने का, और इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ बच्चों, पहले तो आपने कॉन्सेप्ट ले लें कि ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स होता क्या है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स ऑफ द प्लांट। फिर उसके बाद रूट से फिर हमें आगे चलना होगा, देखना होगा कि वो कौन सा मैकेनिज्म है जिसके ज़रिए ये वाटर और मिनरल्स होते हैं, यानी रूट से होते हुए एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी, यानी कि लीव्स तक कैसे पहुँचते हैं। तो एक तो ये पार्ट होगा। फिर उसके बाद अपने नेक्स्ट इसमें साथ ही कुछ रेलेवेंट टॉपिक्स हैं कि ट्रांसपायरेशन क्या होती है, उससे रिलेटेड जो भी उसके फैक्टर्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। फिर इसके साथ स्टूडेंट्स आगे चलना होगा कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को भी हमने डिस्कस करना है, और फिर नेक्स्ट आ जाएगा इसी से रिलेटेड ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में हमने क्या देखना होगा कि ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड यानी फ्लोइड ट्रांसपोर्ट क्या होती है। तो इस तरह ये डिफरेंट टॉपिक्स हैं जिसको हमने साथ साथ डिस्कस करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें क्या करना है कि ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में बताएंगे कि तीन तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि प्लांट्स को रिक्वायर्ड होते हैं, यानी थ्री टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये किसको रिक्वायर्ड होते हैं, रिक्वायर्ड टू प्लांट्स। तीन तरह के न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से, इसमें सबसे मेन चीज़ क्या होती है इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर क्या होता है वाटर, एंड आ जाते हैं इसमें मिनरल्स। वाटर एंड मिनरल्स आ जाते हैं, और इसके साथ साथ बिसाइड लाइट, किसके साथ क्या होती है बिसाइड लाइट होती है, किसके लिए ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती है, टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो आपने क्या देखा बच्चों के तीन तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट्स को रिक्वायर्ड होते हैं, किस कौन कौन से, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिनरल्स होते हैं बिसाइड लाइट, क्या करने के लिए, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए। अब इसमें देखो कार्बन डाइऑक्साइड का जहाँ तक ताल्लुक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में आपको मालूम हो कि इज टेकन फ्रॉम एयर, यानी एयर की हम इसलिए बात कर रहे हैं, लैंड प्लांट्स की बात कर रहे हैं, एक्वेटिक भी होती है, एक्वेटिक कहाँ से लेंगे, फ्रॉम वाटर। तो हम जनरली बात कर रहे हैं, क्योंकि लैंड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स की बात करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन फ्रॉम एयर, इसी तरह से स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आल्सो टेकन फ्रॉम सेलुलर रेस्पिरेशन, ये भी आपको पता है कि इसकी बाय प्रोडक्ट होती है, तो ये भी कार्बन डाइऑक्साइड किसी हद तक यूज़ होती है, लेकिन मेन कहाँ से होती है, फ्रॉम एयर ये कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है, ठीक है। अब रही बात जहाँ तक रूट्स का जहाँ तक ताल्लुक है, तो रूट्स के बारे में आपको ये पता होना चाहिए बच्चों कि नॉट ओनली एंकर द प्लांट, इन सॉइल, ना सिर्फ इसका काम क्या होता है कि फिक्स करना प्लांट को किस में, सॉइल में, बल्कि इसके साथ साथ इसका क्या काम होता है कि ये एब्जॉर्ब करती है क्या चीज़, वाटर एंड मिनरल्स, वाटर एंड जो मिनरल्स होते हैं, ये इसका काम क्या होता है कि इनको एब्जॉर्ब करना, कहाँ से, फ्रॉम सॉइल, ये सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं, ये क्या चीज़, रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं किसके ज़रिए, अपने एपिडर्मल
एपिडर्मल सेल्स के जरिए। एपिडर्मल सेल्स का हमने बात की, रूट हेयर्स की बात नहीं की, क्योंकि रूट हेयर्स आउटग्रोथ किसकी होती है, यानी एपिडर्मल सेल्स की ही आउटग्रोथ होती है। तो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल एपिडर्मल सेल्स के जरिए, और फिर ये कहाँ पहुँचा देते हैं, इनटू द जाइलम ऑफ रूट्स तक पहुँचा देते हैं। जाइलम ऑफ रूट से क्या होता है, यानी जाइलम ऑफ रूट से ये फिर कहाँ जाएंगे, ये जाइलम ऑफ द स्टेम, और फिर ये जाइलम ऑफ द स्टेम से होते हुए ये कहाँ पहुँच जाएंगे, दे विल रीच, कहाँ पहुँचेंगे स्टूडेंट्स, इन द लीव्स, ये लीव्स तक पहुँच जाएंगे। तो लीव्स में पहुँचने के बाद क्या होगा, इसमें फोटोसिंथेसिस होगी, क्या होगा इसमें, फोटोसिंथेसिस होगी, ठीक है जी। अब जब फोटोसिंथेसिस होगी तो आपको पता है क्या बनेंगे, ऑर्गेनिक, इसके रिजल्ट के तौर पर ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स बनेंगे, ऑर्गेनिक सॉल्यूट से मुराद क्या है, जैसे सुक्रोज वगैरह बनेगा, और ये जब ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स बनेंगे तो ये फिर आपको मालूम हो कि ये मूव करेंगे किधर, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी, दे विल मूव टुवर्ड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी, प्लांट बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की तरफ ये मूव करेंगे। अगर हम वास्कुलर प्लांट्स की बात करेंगे तो किसके थ्रू, डेफिनेटली ये फिर फ्लोएम के जरिए, जो आप इसको डिस्कस करेंगे आगे चलकर, ये क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज हैं, इनके थ्रू ये क्या होते हैं, जो कि स्पेशली विद रेफरेंस टू सीव ट्यूब एलिमेंट्स के जरिए ये क्या होंगे, ट्रांसपोर्ट होंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। ये जो मूवमेंट आपको नज़र आती है, ये जिधर से हमने कहाँ से इसको बताया कि रूट्स के जरिए क्या हो रहा है, ये ना सिर्फ एंकर करता है प्लांट को सॉइल में, बल्कि ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है वाटर एंड मिनरल्स को, ये एब्जॉर्ब करता है सॉइल से, और फिर एपिडर्मल सेल्स के थ्रू कहाँ पहुँचाता है, जाइलम ऑफ रूट, वहाँ से स्टेम, स्टेम से लीव्स, लीव्स में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस, ऑर्गेनिक सॉल्यूट बनेंगे, वो मूव करेंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी, किसके थ्रू, फ्लोएम के थ्रू मूव करेंगे। तो लिहाजा ये जितनी भी मूवमेंट्स हैं, ऑल दीज मूवमेंट्स ऑफ मटीरियल्स, ये इसको हम क्या कहेंगे, ऑल दीज मूवमेंट ऑफ मटीरियल्स इज कॉल्ड, क्या कहेंगे इसको, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, ये हमने इसको समराइज किया इसको यहाँ तक कि ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स क्या होता है, इन तमाम मूवमेंट्स को हम, मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट को हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स का नाम देंगे। अब स्टूडेंट इसके बाद हमने देखना है कि मिनरल एब्जॉर्प्शन रूट्स में किस तरह से होता है, मिनरल एब्जॉर्प्शन by roots, mineral absorption by roots, minerals के बारे में आपको मालूम हो कि ये minerals जो होते हैं basically क्या होते हैं, dissolved, they are dissolved in soil water, ये soil water में dissolve होते हैं, और जहाँ तक इन minerals की concentration का ताल्लुक है, तो concentration याद रखना students, concentration जो होती है वो क्या होती है, वो वेरिएबल होती है। वेरिएबल क्यों होती है, ऑब्वियसली जो सॉइल है हर जगह एक जैसी सॉइल नहीं होती, तो ये वेरिएबिलिटी जो होती है, कंसंट्रेशन ऑफ दी डिसॉल्व जो भी इसमें मिनरल्स होते हैं, इसकी वेरिएबल होने की वजह क्या होती है, डिफरेंट रीजन होती है इसकी, ये डिपेंड करता है किस पे, ये डिपेंड करेगा फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, फर्टिलिटी आप समझते हैं, फर्टाइल सॉइल किसे होती है, किसे कहते हैं, सॉइल पार्टिकल के साथ साथ उसमें क्या होते हैं, जो भी उसमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होंगे, बाहर बात है हर सॉइल पे वो वेरी करते हैं, तो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल पे डिपेंड करेगा। इसी तरह से बहुत से मिनरल्स जो होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, एसिडिटी ऑफ सॉइल पे भी डिपेंड करते हैं, इसी तरह से और अदर सॉइल फैक्टर्स भी आ जाते हैं, अदर सॉइल फैक्टर्स में
आप देखते हैं सैंड सिल्ट क्ले के बारे में आप देखते हो कि उसमें उनकी क्या प्रोपोर्शंस होती है सॉइल में, तो अदर सॉइल फैक्टर भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो जब सॉइल मिनरल्स होते हैं ये सॉल्यूशन की फॉर्म में ना हो, याद रखें कि इफ सॉइल न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स, सॉइल मिनरल्स जो है आर नॉट इन सॉल्यूशन, अगर ये सॉल्यूशन की सूरत में ना हो तो याद रखिएगा कि ये बाउंड जो होते हैं किसके साथ, सॉइल पार्टिकल के साथ, या बाउंडेड बाउंडेड विद सॉइल पार्टिकल। सॉइल पार्टिकल के बारे में मैंने आपको बताया, सैंड स्ट्रीट सिल्ट और क्ले क्या होते हैं, सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, उनके साथ ये बाउंडेड होते हैं, और जब ये बाउंडेड हो गए तो फिर याद रखो स्टूडेंट्स ये अवेलेबल नहीं होते किसके लिए, प्लांट्स, सो दे विल नॉट अवेलेबल, किसके लिए अवेलेबल नहीं होंगे, और प्लांट्स, पौधों के लिए फिर अवेलेबल नहीं होंगे। तो अब देखो स्टूडेंट्स इसमें हमने बताना है कि वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन पे, किस चीज़ के, हम बात किसी कर रहे हैं मिनरल्स की बात कर रहे हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, फैक्टर अफेक्टिंग और रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। अब देखो सबसे पहली चीज होती है क्या होती है मेजर, वो देखा जाता है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन किस चीज की, कंसंट्रेशन यानी इन्हीं जो हम किसकी बात कर रहे हैं, इन मिनरल्स की, बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द रूट सेल्स, रूट सेल्स जो होते हैं उसमें हमने देखना होता है कि उसके अंदर और बाहर कंसंट्रेशन किस क्या है, किस चीज़ की, इन न्यूट्रिएंट्स की, इन मिनरल्स की कंसंट्रेशन क्या है। तो लिहाजा अब देखें अगर बाहर की तरफ कंसंट्रेशन कम है अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो फिर कौन सी ट्रांसपोर्ट होगी, याद रखिएगा फिर होगी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी, लेकिन आउटसाइड अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है और इनसाइड कम है तो फिर क्या होगा, फिर पैसिव ट्रांसपोर्ट होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मिनरल्स जो मूव करेंगे सॉइल से सॉल्यूशन की फॉर्म में किस में जाएंगे, रूट सेल्स में जाएंगे, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट के जरिए भी जा सकते हैं और फिर ये साथ साथ एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए भी दाखिल हो सकते हैं। लेकिन इन जनरल अगर आपसे पूछा जाए, इन जनरल, तो मोस्ट ऑफ आइंस, मोस्ट ऑफ आइंस जो है ये आर टेकन अप, आर टेकन अप बाय द रूट्स, बाय द रूट्स, बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, किसके जरिए होता है ज़्यादातर मिनरल न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन, किसके जरिए होता है, दैट इज़ मेनली बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए होता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो इनसाइड द रूट सेल्स होता है कंसंट्रेशन इन मिनरल न्यूट्रिएंट्स की, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनकी आइंस की कंसंट्रेशन कहाँ पर ज़्यादा होती है, इनसाइड द रूट सेल एज कम्पेयर टू द सॉइल सोल्यूशन। तो लिहाजा क्या होगा, एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टूवर्ड्स एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन, वो फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और आपको मालूम है इसके लिए क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है, डेफिनेटली इसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन से इसको हासिल होती है। तो अब देखो सॉइल में हमने बताया कंसंट्रेशन कम है रूट सेल में ज़्यादा है तो क्या होगा, ये आपको मालूम हो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी। लेकिन याद रखिएगा कुछ आइंस ऐसे भी होते हैं वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए भी दाखिल होते हैं और पैसिव ट्रांसपोर्ट के जरिए भी दाखिल होते हैं, डिपेंड करता है कि उसकी कंसंट्रेशन सॉइल में और रूट्स में क्या होती है। तो ये बेटा ये एक थोड़ा सा ब्रीफ एक समरी है ताकि आपको आइडिया हो कि मिनरल एब्जॉर्प्शन जो होती है वो किस तरह से होती है फ्रॉम सॉइल इनटू द रूट्स। तो अब इसके बाद हमने आगे चलना है मिनरल एब्जॉर्प्शन के बाद, क्योंकि पहला पार्ट हमने यही चीज़ देखेंगे कि सॉइल से वाटर, पहले मिनरल्स हो गया फिर इसके बाद क्या आएगा वाटर, ये किस तरह से रूट के एपिडर्मस से यानी रूट हेयर सेल से ये होती हुई कहाँ जाएगी, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स से कहाँ जाएगी
एंडोडर्मस, एंडोडर्मस से कहाँ जाएगी? पेरिसाइकल, पेरिसाइकल से कहाँ पहुँचेगी? जाइलम ऑफ द रूट। सबसे पहले हम इस पाथ को क्लियर करेंगे, फिर हम आगे चलेंगे और हम देखेंगे कि एसेंट ऑफ सैप कैसे होता है, कि रूट से फिर जाइलम ऑफ रूट से होता हुआ वाटर और मिनरल्स होते हैं, ये एरियल पार्ट्स यानी लीफ तक किस तरह से पहुँचते हैं। तो अब हम क्या देखेंगे इसमें, एब्जॉर्प्शन जो हमने देख ली मिनरल्स की, तो अब एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर की तरफ ही हम आते हैं। अपटेक ऑफ वाटर बाय रूट्स ऑफ वाटर बाय रूट्स, इसके लिए स्टूडेंट देखिए कि जो सेल वॉल है एपिडर्मल सेल्स की, सेल वॉल ऑफ एपिडर्मल सेल्स, सेल वॉल एपिडर्मल सेल्स किसकी? सेल्स ऑफ रूट्स। ये फ्रीली परमिएबल होती है, फ्रीली परमिएबल टू वाटर एंड अदर मिनरल्स। ये सेल वॉल जो होती है एपिडर्मल सेल्स ऑफ रूट्स, ये फ्रीली परमिएबल है वाटर और दूसरे मिनरल्स के। जबकि सेल मेम्ब्रेन के बारे में आपको पता हो कि जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन ये आपको क्लियर होना चाहिए, ये क्या होती है? डिफरेंशियली परमिएबल। इसको आप क्या कहेंगे? डिफरेंशियली परमिएबल। सेल मेम्ब्रेन जो होगी डिफरेंशियली परमिएबल होगी, और वाटर जो एंटर होगा, वाटर इसमें याद रखिएगा कि क्या होगा, एंटर होगा इसमें एपिडर्मल सेल्स में, एपिडर्मल सेल्स में ये दाखिल होगा किसके जरिए? बाय ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को आप किस कैटेगरी से, किस तरह से आप डिस्कस करते हो, आपको मालूम हो ये एंड ऑस्मोसिस भी होता है और साथ साथ क्या होता है, ये एक्स ऑस्मोसिस भी होता है, यानी वाटर जो सेल के अंदर दाखिल होगा तो उसे क्या कहोगे? एंड ऑस्मोसिस। एंड ऑस्मोसिस और सेल से बाहर जो वाटर निकलेगा तो उसे आप क्या कहोगे? एक्स ऑस्मोसिस का नाम दोगे। तो इस तरह ये वाटर जो एंटर हो रहा है एपिडर्मल सेल में किस प्रोसेस के जरिए? ऑस्मोसिस के जरिए स्टूडेंट उसमें दाखिल होगा। अब ये गुजरेगा कहाँ से? गुजरेगा एपिडर्मल सेल में तो दाखिल हुआ है, फिर उसके बाद ये एपिडर्मल सेल में तो दाखिल हुआ है, नेक्स्ट कौन से इसके साथ आएगा? ये याद रखिएगा कि वाटर जो होगा ये फिर हम बताएंगे कि इट पासिस कहाँ से गुजरेगा, पासिस थ्रू कहाँ कहाँ से गुजरेगा ये आपको मालूम होना चाहिए। पहले किस में जाएगा? कॉर्टेक्स में, और कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बाद फिर ये किस में जाएगा? इनटू पेरिसाइकल, और पेरिसाइकल से फिर ये कहाँ पहुँच जाएगा? इनटू द जाइलम टिश्यूज ऑफ रूट्स में पहुंच जाएगा। रूट्स के जो जाइलम टिश्यूज होते हैं यहाँ तक ये पहुंच जाएगा क्या? वाटर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि वाटर जो एंटर हो रहा है एपिडर्मल सेल में ऑस्मोसिस के जरिए दाखिल होगा, और ये किससे गुजरेगा? फिर कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स से होता हुआ एंडोडर्मस, एंडोडर्मस से जाएगा पेरिसाइकल, वहाँ से जाइलम टिश्यूज ऑफ द रूट्स तक पहुँच जाएगा। तो इसके लिए स्टूडेंट याद रखना है आपने कि ये जो हम बता रहे हैं कि एपिडर्मल सेल से होता हुआ वाटर जाइलम ऑफ द रूट्स तक पहुँचेगा, इसके लिए याद रखिएगा कितने पाथवे हैं, वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर दी। थ्री पाथवेज आर देयर, इसके लिए क्या होते हैं? थ्री पाथवेज, तीन मुख्तलिफ रस्तों से ये वाटर जो है कहाँ तक पहुँचेगा? इन द जाइलम टिश्यूज ऑफ द रूट्स पहुँचता है। तो इसको हमने सिस्टमेटिकली लेकर चलेंगे वन बाई वन। इसमें पहला हमने किसका रेफरेंस देना होगा? दैट इज
एपोप्लास्ट पाथवे, फिर उसके बाद नेक्स्ट आएगा सिम्प्लास्ट, सिम्प्लास्ट पाथवे, और तीसरा हमें इसमें डिस्कस करना होगा ये वैक्यूलर पाथवे। तो ये तीन पाथवेज हमने यहाँ पे डिस्कस करने, वन बाई वन करके इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एपोप्लास्ट पाथवे, एपोप्लास्ट पाथवे, एपोप्लास्ट पाथवे के बारे में आपको मालूम हो कि ये जो एपोप्लास्ट पाथवे जो है, ये ऐसा सिस्टम है जिसमें आप कह सकते हैं कि सिस्टम ऑफ एडजेसेंट सेल वॉल्स। एपोप्लास्ट ये पाथवे इज सिस्टम ऑफ एडजेसेंट सेल वॉल्स। एडजेसेंट सेल वॉल्स ये जो होती है, एडजेसेंट सेल वॉल्स होती है, याद रखिएगा स्टूडेंट, कंटिन्यूज होती है थ्रू आउट द, ये कंटिन्यूज थ्रू आउट द प्लांट बॉडी, थ्रू आउट द प्लांट, एडजेसेंट सेल वॉल्स व्हिच आर कंटिन्यूज थ्रू आउट द प्लांट बॉडी होती है। याद रखिएगा जब वाटर इसमें, याद रखिएगा कि वाटर जब इसमें मूव करेगा, ये कहाँ पहुँचेगा, एंडोडर्मस में। वाटर ये कहाँ से आएगा, एपिडर्मस से, एपिडर्मस से होता हुआ कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स से होता हुआ जब ये कहाँ पहुँचेगा, रीच्ड इन एंडोडर्मस में जब ये पहुँचेगा वाटर, तो यहाँ पे आके क्या होगा, स्टॉप्ड, ये वाटर की मूवमेंट स्टॉप हो जाती है। ये क्यों स्टॉप होती है, इसकी वजह आपको पता होनी चाहिए, ये स्टॉप होने की वजह क्या होती है, दैट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती है किस में, एंडोडर्मल जो उसकी वॉल होती है, ट्रांसफर्स और रेडियल वॉल दोनों में क्या होता है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पाई जाती है। दीज कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर मेड अप ऑफ व्हाट, सुबेरिन एंड लिग्निन मटेरियल, सुबेरिन और लिग्निन मटेरियल से इम्परमिएबल टू वाटर होते हैं। याद रखिएगा दीज मटीरियल आर इम्परमिएबल टू वाटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एंडोडर्मस है, एंडोडर्मस का फॉर एग्जाम्पल ये एक सेल हम शो कर रहे हैं, ये एंडोडर्मस का यहाँ पर एक सेल हमने शो किया है, ये इसकी आप देख सकते हैं, इसकी ये चारों तरफ की वॉल्स हैं, ये वॉल्स हैं, इन वॉल्स में क्या प्रेजेंट होता है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती है। कैस्पेरियन स्ट्रिप किस तरह से प्रेजेंट है, ये हम इसको रफली यहाँ पर शो कर रहे हैं, यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है, और ये ऑल फोर वॉल्स पे आपको क्या मिलेगी, इसकी कैस्पेरियन स्ट्रिप, दे आर इम्परमिएबल टू व्हाट, वाटर, इम्परमिएबल टू वाटर। तो पहले वाटर कहाँ से मूव कर रहा था, एडजेसेंट सेल वॉल्स के थ्रू वाटर मूव कर रहा था, लेकिन जब एंडोडर्मस पे पहुँचेगा तो वहाँ पे इसको रुकावट का सामना करना पड़ेगा, तो लिहाजा यहाँ से ये क्या होगा कि वाटर फिर क्या करेगा और सॉल्यूट क्या करेंगे, फिर ये किसके थ्रू जाएंगे, सेल सरफेस से होते हुए साइटोप्लास्ट और फिर एंडोडर्मल सेल्स से ये जो है आगे कहाँ जाएंगे, इस तरह से ये आगे चले जाएंगे टुवर्ड द पेरिसाइकल एंड देन इनटू द जाइलम सेल्स। तो लिहाजा ये सुपरिन मटेरियल जो होता है ये क्या काम करता है, इसमें रुकावट का काम करेगा। तो वाटर, सो यहाँ पे क्या होगा, वाटर एंड सॉल्यूट्स होंगे, वाटर एंड सॉल्यूट्स मस्ट पास, मस्ट पास, इनको गुजरना पड़ेगा कहाँ से, थ्रू द सेल सरफेस, थ्रू द सेल सरफेस, सेल सरफेस से फिर ये किस में दाखिल होगा, इनटू द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म किसके साइटोप्लाज्म, एंडो
डर्मिस, एंडोडर्मिस किस, और फिर इस तरह से ये फिर वाटर जो होता है किस में जाएगा, इनटू द पेरिसाइकल एट द एंड इन द जाइलम टिश्यूज तक ये पहुंच जाएगा। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये आपको मालूम हो कि इसका पाथवे के ये एपोप्लास्ट पाथवे क्या होता है, सिस्टम ऑफ एडजेस्टेड सेल वॉल्स जो कि कंटिन्यू थ्रू आउट द प्लांट बॉडी। तो वाटर जब ये एपिडर्मल सेल से होता हुआ फिर कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स से होता हुआ कहाँ जाएगा स्टूडेंट्स, ये जाएगा इनटू द एंडोडर्मस, और एंडोडर्मस में हमने क्या बताया कि रुकावट पैदा होगी किसकी वजह से, कैस्पेरी स्ट्रिप्स की वजह से। तो फिर क्या होगा कि इसको किसके थ्रू जाना पड़ेगा, सेल सरफेस के थ्रू जाना पड़ेगा इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द एंडोडर्मल सेल्स, और फिर उसके बाद फिर उसने आगे मूव करना होगा उसी पाथवे के थ्रू किस में, इनटू द पेरिसाइकल एंड देन इनटू द जाइलम टिश्यूज। तो इसको बच्चे हमने कैसे शो करना होता है, इसको डायग्रामेटिकली शो करना होता है ताकि हमें ये कॉन्सेप्ट साथ साथ क्लियर होता जाए। सिंपल सी डायग्राम हम यहाँ पे पहले शो करेंगे, तो फिर उसके बाद हम एक ही डायग्राम के ज़रिए तीनों पाथवे हाईलाइट करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट देखें कि हमने यहाँ पे कुछ सेल शो करने हैं, एक सेल हमने शो किया है, इसी तरह से ये हम दूसरा सेल शो कर लें सिमिलरली। ये हमने तीन सेल ऐसे आपको समझाने के लिए यहाँ पे शो किया। अब देखिए इसमें इसकी सेल वॉल ये सारी इसकी, और ये शो क्या कर रहे हैं इसकी, व्हाट इज दिस, इट्स सेल वॉल। यहाँ पे इसकी सेल वॉल शो की है, और बीच में हम इसका यहाँ पे ये वैक्यूल शो कर रहे हैं, इसका वैक्यूल शो किया है। फिर हमने आगे चलकर डिस्कस करना होगा व्हाट इज प्लाज्मो डिस्बेटा, वो भी हमने आगे चलकर यहाँ पे डिस्कस करना होगा। तो सबसे पहले देखिए कि हमने किसकी बात की है, एपोप्लास्ट पाथवे। ये एपोप्लास्ट पाथवे में ये हमने शो कर रहे हैं, ये एरो के ज़रिए ये वाटर मूव कर रहा है, ये इसको हम क्या कहेंगे, एपोप्लास्ट पाथवे। दिस वन इज कॉल्ड एपोप्लास्ट पाथवे, यहाँ पे हमने शो किया है। तो नेक्स्ट उसके बाद हमें किसकी तरफ आना है, टुवर्ड द सिम्प्लास्ट पाथवे की तरफ हम आते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा इसमें सिम्प्लास्ट पाथवे, सिम्प्लास्ट पाथवे। इसमें स्टूडेंट देखिए क्या होगा, हमने बताना है मूवमेंट ऑफ, मूवमेंट ऑफ सेल सैप। मूवमेंट किस चीज़ से होगी, सेल सैप की, इन्वॉल्व्स साइटोप्लाज्मिक, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस। क्या चीज़ इसमें इन्वॉल्व होगी, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन इन्वॉल्व होगी किसकी, ऑफ एडजेसेंट सेल वॉल्स, ऑफ एडजेसेंट सेल वॉल्स। इनकी जो एडजेसेंट साथ साथ जो सेल होते हैं इनके दरमियान साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन रिक्वायर्ड होती है, किसके लिए, मूवमेंट ऑफ सेल सैप के लिए। इस किस्म की हम मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, जिस रास्ते से होगी इसे सिम्प्लास्ट पाथवे का नाम दिया जाएगा। तो सिम्प्लास्ट जो होता है बेसिकली क्या होता है कि इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लाज्म होता है इन द प्लांट। ये बेसिकली क्या है, इंटर कनेक्टेड प्रोटो प्लाज्म इन द प्लांट। पौधे भी क्या होता है कि इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म जो होता है नेबरिंग प्रोटोप्लास्ट का, ये लिंक्ड होता है किसके साथ, किसके जरिए, ये खास किस्म की ओपनिंग्स होती है जिसको हम नाम क्या देते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए ये क्या होते हैं, लिंक्ड होते हैं। यानी आप देख सकते हैं साइटोप्लाज्म
ऑफ किस चीज का साइटोप्लाज्म ऑफ द नेबरिंग सेल्स ऑफ नेबरिंग सेल्स. नेबरिंग सेल जो होता है या उसको नेबरिंग आप उसका क्या कह सकते हैं प्रोटो प्लास्ट कह सकते हैं. नेबरिंग सेल का प्रोटोप्लास्ट जो होता है ये बाय लिंक्ड बाय लिंक्ड बाय किसके जरिए होते हैं ये प्लाज्मो डेजमेटा. सिंगुलर क्या होता है इसका प्लाज्मो डेस्मो. ये बेसिकली साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होता है बिटवीन द टू सेल्स दो सेल्स के दरमियान ये साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होता है. यानी इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये जो प्लाज्मो डेजमेटा बेसिकली क्या है यहाँ पे साइटो प्लाज्मिक क्या होते हैं स्ट्रैंड्स होते हैं. ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स होते हैं ये जैसे हमने यहाँ पे डायग्रामेटिकली शो किया है. आप गौर कर सकते हैं इस डायग्राम में कि ये सेल फॉर एग्जांपल है इसका ये सारा यहाँ पे ये वैक्यूल हमने शो किया था व्हाट इज दिस ये इसका साइटोप्लाज्म है. फिर इधर पे आप देख सकते हैं साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन आपको नज़र आ रहा है. यहाँ पे देख सकते हैं ये हमने ये पैसेज बनाया. दिस पैसेज इज व्हाट दिस पैसेज इज बेसिकली व्हाट ये जो पैसेज है ये पैसेज होता है इसको प्लाज्मो डिस्मा प्लूरल क्या होगा प्लाज्मो डिस्मेटा का नाम देते हैं. सिमिलरली यहाँ पर भी हम इस तरह से आगे शो करते हैं. तो इनके थ्रू जो मूवमेंट होगी इसको हम क्या कहेंगे इसको सिम्प्लास्ट पाथवे का नाम देंगे. ये बेसिकली क्या होता है मूवमेंट जो होता है इसमें एक और भी चीज़ ऐड हो जाती है. याद रखना कि स्टूडेंट इसमें साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग इसके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं सेल के टॉपिक में. साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी इसमें क्या हो जाती है इन्वॉल्व आल्सो इन्वॉल्व ये इसमें इन्वॉल्व हो जाती है इस किस्म के मूवमेंट में. अब यहाँ पे हम इसको इस तरह से शो करते हैं एरो के साथ. जैसे फॉर एग्जांपल ये जो हम मूवमेंट शो कर रहे हैं ये किसके थ्रू जा रही है दैट इज सिम्प्लास्ट पाथवे. ये देख सकते हैं इस किस्म की मूवमेंट जो होती है ये इसे हम सिम्प्लास्ट पाथवे किसके थ्रू हो रही है स्टूडेंट्स प्लाज्मो डिस्मेटा के थ्रू हो रही है. इस किस्म की मूवमेंट को हम क्या कहते हैं सिम्प्लास्ट पाथवे का नाम देंगे. तो ये होता है सिम्प्लास्ट पाथवे. और लास्ट स्टूडेंट्स में क्या आ जाएगा वेक्यूलर पाथवे. वेक्यूलर पाथवे ये वैक्यूलर पाथवे. वैक्यूलर पाथवे में क्या होता है कि वाटर मूव करता है फ्रॉम वैक्यूल टू वैक्यूल. वाटर मूव्स वैक्यूल टू वैक्यूल मूव करता है किस में थ्रू डेब्रिंग सेल्स थ्रू डेब्रिंग सेल्स. वाटर मूव्स वैक्यूल टू वैक्यूल थ्रू नेबरिंग सेल्स इसको हम क्या कहेंगे वैक्यूलर पाथवे का नाम देंगे. अब जो क्रॉसिंग होती है वाटर की इसमें याद रखिएगा यानी इसमें जो क्रॉसिंग हो रही है किस चीज़ की ऑफ वाटर. वाटर की जो क्रॉसिंग हो रही है इसमें स्टूडेंट सिम्प्लास्ट भी शामिल हो जाता है. इसमें सिम्प्लास्ट भी शामिल हो जाता है और साथ साथ एपोप्लास्ट भी शामिल हो जाता है. क्या मतलब हुआ सिम्प्लास्ट मीन एडजेसेंट साइटोप्लाज्म और एपोप्लास्ट का मतलब क्या होता है सेल वॉल. तो इस तरह ये साइटोप्लाज्म और ये किसका क्या रहेगा एपोप्लास्ट ये भी इसमें क्या हो जाते हैं इन्वॉल्व हो जाते हैं. क्रॉसिंग जो होती है वाटर की यानी सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट और साथ साथ ये मूव करता है थ्रू द मेम्ब्रेन्स थ्रू द मेम्ब्रेन्स वही एडजेसेंट सेल्स की साइड मेम्ब्रेन्स आ जाती है और साथ साथ जो मेम्ब्रेन्स की और किसकी होगी टोनोप्लास्ट. व्हाट इज टोनोप्लास्ट द मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट. ये किसकी मेम्ब्रेन होती है मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल.
इसको क्या कहते हैं, टोडोप्लास्ट कहते हैं। तो इसमें ये बाकायदा ये मूवमेंट होती क्रॉस करते हैं वाटर सिम्प्लास्ट के थ्रू भी, फिर एपोप्लास्ट, फिर थ्रू द मेम्ब्रेन ऑफ द सेल और फिर टोडोप्लास्ट, मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल। मैकेनिज्म वही है कौन सा जो आपको पहले बताया गया है ऑस्मोसिस के। और ये जो मूवमेंट होती है ऑब्वियसली जब ऑस्मोसिस हो रही है तो अलॉन्ग द कंसेंट्रेशन ग्रेडिएंट होती है, अलॉन्ग द कंसेंट्रेशन क्या होगा ग्रेडिएंट, यानी ये इस तरह से शो करते हैं हाई वाटर पोटेंशियल से टुवर्ड्स एन एरिया हो, हाई वाटर पोटेंशियल एरिया से टुवर्ड्स द लो वाटर पोटेंशियल की तरफ, यानी ये मूवमेंट जो होगी एरिया ऑफ हाई वाटर पोटेंशियल टुवर्ड्स एन एरिया ऑफ लो वाटर पोटेंशियल की तरफ होगी। तो ये इसमें आपको क्या इसको नाम क्या दोगे, वैक्यूलर पाथवे का नाम दोगे, दिस इज कॉल्ड व्हाट वैक्यूलर पाथवे। इधर डायग्रामेटिकली अगर आप देखें तो इसमें ये हम मूवमेंट शो कर रहे हैं रेड मार्कर से, मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, ये टोडोप्लास्ट मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल, यहाँ से वाटर जो है देख सकते हैं जा रहा है, ये साइटोप्लाज्म में आएगा सिम्प्लास्ट, फिर सेल वॉल के थ्रू आ रहा है एपोप्लास्ट, फिर साइटोप्लाज्म में आ रहा है सिम्प्लास्ट, फिर वैक्यूल टोडोप्लास्ट के थ्रू आ रहा है, ये क्या होगा, ये आप क्या कहोगे वैक्यूलर पाथवे एंड सो ऑन। ये आप गौर कर सकते हैं ये जो मूवमेंट हो रही है साइटोप्लास्ट, फिर साइटोप्लास्ट से फिर सेल वॉल एपोप्लास्ट एंड सो ऑन, ये इस तरह से मूवमेंट हो रही है। आप एक और हम शो कर देते हैं, ये देख सकते हैं साइटोप्लास्ट से किस में जा रहा है वैक्यूल टोडोप्लास्ट, फिर ये सेल वॉल के थ्रू इनटू द साइटोप्लास्ट अगेन इनटू द वैक्यूल एंड फिर आउट वैक्यूल, फिर इस तरह से ये इधर पे साइटोप्लाज्म एंड सो ऑन इनटू द वैक्यूल। तो ये सिम्प्लास्ट वैक्यूलर पाथ आ जाता है, फिर उसके बाद सिम्प्लास्ट, फिर उसके बाद एपोप्लास्ट एंड सो ऑन। तो ये पाथवे क्या कहलाएगा वैक्यूलर पाथवे, चूँकि इसमें वैक्यूल भी इन्वॉल्व हो जाता है, लेकिन ये हमें एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से अहम पॉइंट मालूम होना चाहिए कि इसमें फिर क्या शामिल हो जाएगा, सिम्प्लास्ट भी और एपोप्लास्ट भी, और जब सेल से गुजरेगा ऑब्वियसली इसकी मेम्ब्रेन से भी क्रॉस होगा और फिर किसके थ्रू क्रॉस होगा टोटोप्लास्ट, दैट इज मेम्ब्रेन ऑफ द टोटोप्लास्ट, यहाँ से भी ये गुजरेगा। तो ये तीन तरह के पाथवे हैं जिनको हम यहाँ पे इसको हम समराइज करते हैं। अब स्टूडेंट हम इसको मज़ीद जो हम समराइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्पेशली रूट का हम हवाला देंगे। देख सकते हैं कि जैसे मिसाल के हमने शो किया व्हाट इज दिस, ये प्लांट बॉडी हम यहाँ पे शो कर रहे हैं, नीचे इसकी क्या आ रही है, व्हाट इज दिस, ये इसकी हमने ये रूट शो की है, ये इसकी रूट, और यहाँ पे इसका क्या होता है रूट टिप होता है ये, और फिर ये इसमें डिफरेंट जोन्स होते हैं, ये क्या शो कर रहे हैं, व्हाट आर दीज आर रूट हेयर्स, ये इसके रूट हेयर्स होते हैं, यानी डिफरेंट जोन्स होते हैं। ये वाला जोन इसका क्या कहलाता है, ये दैट इज़ कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक जोन, मेरिस्टेमेटिक जोन, जिसको जहाँ पे जिसको जोन ऑफ सेल डिवीजन का नाम देते हैं, फिर यहाँ पे जो जोन होता है इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इलोंगेशन जोन, इलोंगेशन जोन कहलाता है, और ये फिर इसका मैचुरेशन जोन कहलाता है। तो यहाँ तक तो बेटा कोई नो एब्जॉर्प्शन, यहाँ पे ख़ास कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होती, एब्जॉर्प्शन जो होती है एब्जॉर्प्शन कहाँ से होगी, मेनली ये रूट हेयर्स और फिर ये इस पार्ट से क्या होती है एब्जॉर्प्शन होती है मेनली। तो लिहाजा अब आपको यहाँ से ये थोड़ा सा आइडिया रूट के स्ट्रक्चर का, अब हम इसको क्या करते हैं कि इसका कोई थोड़ा सा पार्ट लेकर इसको हम यहाँ पर इलाज करते हैं ताकि हमें मज़ीद इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ये हम इसके एपिडर्मल सेल्स यहाँ पे शो कर रहे हैं, इधर व्हाट एपिडर्मल सेल्स, ये एपिडर्मल सेल, इस एपिडर्मल सेल से आप देख सकते हैं ये आउट ग्रोथ किस चीज़ की है, व्हाट इज दिस, ये इसका रूट हेयर कहलाएगा, व्हाट इज दिस, ये इसमें क्या है सॉइल पार्टिकल्स है, व्हाट आर दी इधर सॉइल पार्टिकल्स, और यहाँ पे क्या मौजूद होता है ऑब्वियसली वाटर प्लस उसमें क्या होते हैं यहाँ पे मिनरल्स मौजूद होते हैं। ये बाकी इस तरह से मज़ीद हम आगे चलें तो अब फिर आप देखेंगे यहाँ पे कौन से सेल्स शो कर रहे हैं, जिधर वट कॉर्टेक्स सेल्स, ये कॉर्टेक्स सेल्स आ जाते हैं इस तरह से, कॉर्टेक्स सेल्स, ये दो तीन लेयर्स हम शो कर रहे हैं किसकी, कॉर्टेक्स सेल्स की, फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट क्या शो करना है यहाँ पर, ये एंडोडर्मस आ जाएगा, ये एंडोडर्मस,
व्हाट इज दिस एंडोडर्मिसस पे फिर आपने मेन लिखा चीज़ हाईलाइट करना होता है यहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, ये इसकी कैस्पेरियन स्ट्रिप्स यहाँ पे हम शो करते हैं, दीज आर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपने पेरिसाइकल की, दीज आर द सेल्स अबाउट पेरिसाइकल। और फिर उसके बाद आ जाएंगे थिक वॉल, ये आपको नजर आ रहे हैं व्हाट आर दीज आर जाइलम सेल्स, ये आपके पास जाइलम सेल्स, इसको लेबल कर देते हैं दीज आर जाइलम सेल्स। व्हाट इज दिस पेरिसाइकल एंड व्हाट इज दिस एंडोडर्मिस, ये हमने क्या शो किया है कॉर्टेक्स, और ये हमारे पास क्या है एपिडर्मिस, और ये जो आउटग्रोथ नज़र आ रही है व्हाट इज दिस रूट हेयर का नाम इसको देते हैं। अब इसमें देखें कि अगर हम इसमें एपोप्लास्ट पाथवे को फॉलो करें तो ये देखिए रूट हेयर्स है, रूट हेयर्स के थ्रू वाटर एंटर होता है, ये अब जिस जो भी पाथ आपने लेना है इस पाथ के थ्रू ये क्या होगा, ये सेल वॉल के थ्रू जाएगा किस में एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस में ये क्या मौजूद है कैस्पेरियन अलाउ नहीं करेंगे तो ये वाटर किस में जाएगा, ये इसके साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म से फिर होकर ये सेल वॉल, फिर यहाँ से होता हुआ एक पेरिसाइकल, और पेरिसाइकल से फिर ये इनटू द जाइलम दाखिल हो जाएगा। तो लिहाजा इस किस्म के पाथवे को हमने क्या नाम दिया था, दिस पाथवे इज कॉल्ड एपोप्लास्ट पाथवे। फिर बीच में हम यहाँ पे कुछ शो कर देते हैं व्हाट आर दीज आर वैक्यूल्स, ये इसके क्या हैं वैक्यूल्स हैं, ये इसके सिंपल से हमने वैक्यूल्स शो किए। तो दूसरा पाथवे हम बताएंगे कि किस तरह से इसमें ट्रांसपोर्ट होगी, ये देख सकते हैं इसमें वाटर इंटर होता है, ये लिंक शो कर रहे हैं इनके दरमियान, ये हम लिंक शो कर रहे हैं ये बीच में, ये देख सकते हैं कि वाटर जो है ये मूव कर रहा है, यहाँ से दाखिल हुआ किसके थ्रू सेल वॉल के थ्रू, अब ये किस में आएगा इसके साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म होता है ये मूवमेंट शो कर रहे हैं, ये दिस इज द मूवमेंट। इस किस्म की मूवमेंट को हम क्या नाम देते हैं, ये किस किस्म की मूवमेंट होगी, दैट इज़ सिम्प्लास्ट पाथवे, इसको सिम्प्लास्ट पाथवे का नाम देते हैं। और तीसरा हमने क्या शो किया था वैक्यूलर पाथवे, वैक्यूलर पाथवे में हमने क्या बताया था कि वाटर जो है दैट विल मूव, ये जो मूव करेगा ये एपोप्लास्ट के थ्रू भी आएगा, फिर इसमें से दाखिल होगा, ये सिम्प्लास्ट को भी इख्तियार करेगा, ये सिम्प्लास्ट से होता हुआ ये उसी तरह से ये सेल टू सेल जाएगा, इस तरह ये सॉरी ये इसमें से होता हुआ ये टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट से फिर साइटोप्लास्ट, साइटोप्लास्ट से सेल वॉल, सेल वॉल से ये कौन सा होगा एपोप्लास्ट, फिर ये सेल में दाखिल होगा, इसमें ये इसका क्या होगा सिम्प्लास्ट, फिर वैक्यूल से एंड सो ऑन, ये इसको क्या कहेंगे जिसका पाथवे इज कॉल्ड व्हाट वैक्यूलर पाथवे, इसको आप वैक्यूलर पाथवे का नाम देंगे। सिर्फ एपोप्लास्ट में हमें क्या नज़र आता है कि ये अपनी ये जो मेन है सेल वॉल के थ्रू जाने की, यहाँ पे एंडोडर्मिस के पहुँचने के बाद इसको अपना रास्ता चेंज करना पड़ता है। रीज़न क्या होती है कि ये क्रॉस, ये जो यहाँ पे मौजूद है क्या चीज़ कैस्पेरियन स्ट्रिप, ये सुबेरिन मटीरियल और लिग्निन मटीरियल से चूँकि बना हुआ है तो ये अलाउ नहीं करता वाटर को कि वो मूव कर सके सेल वॉल के थ्रू, तो इस वजह से इसको अपना पाथ चेंज करना पड़ेगा। तो इस तरह ये इसको हम थोड़ा सा समराइज़ करते हैं तीनों पाथवे को स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक तो हमने देखा है कि ये अब जाइलम तक जब पहुँच जाएगा वाटर, अब यहाँ से हम आगे चलेंगे कि हम देखेंगे कि यहाँ से अब वाटर अब किधर जाना है, यहाँ से वाटर जब मूव करेगा किधर एरियल पार्ट्स की तरफ, एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी, यानी आगे इसने कहाँ जाना है लीव्स तक जाना है, वहाँ किसके थ्रू स्टडी करेंगे उसको एसेट ऑफ सैप में उसका मैकेनिज्म देखना होगा कि इसका मैकेनिज्म क्या है। तो यहाँ तक स्टूडेंट इसको देख लीजिएगा, ये इनिशियल चीज़ें हैं जो कि हमने डिस्कस की हैं विद रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। तो लिहाजा चूँकि ये हम यूएचएस सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो उसी के जो रेफरेंस से हमने आज इसका स्टार्ट लिया है। तो नेक्स्ट हम जब आएंगे इससे आगे जाएंगे तो हमने क्या देखना होगा, दैट इज़ मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द जाइलम ऑफ रूट अप टू द लीफ, वहाँ तक कि किस तरह से जाता है उसका क्या मैकेनिज्म है उसकी पूरी डिटेल इंशाल्लाह हमने डिस्कस करनी होगी। तो इसको यहाँ तक आज के लिए, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट। अल्लाह हाफिज़।